शिमला जिला के रामपुर नगर परिषद में नवनिर्वाचित पार्षदों को नगर परिषद हॉल में विधिवत शपथ दिलवाई गई। उसके बाद रामपुर नगर परिषद के 9 में से 7 कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े पार्षदों ने सर्वसहमति से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन किया। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने सदस्यों को विधिवत शपथ दिलवाने के बाद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को भी शपथ दिलवाई। शपथ के बाद कांग्रेस के पार्षदों एवं नव निर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने बताया कि शहर का विकास और लोगों की समस्याओं को सुलझाना उनका प्रथम लक्ष्य होगा। सभी कांग्रेस विचारधारा से जुड़े पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शपथ के बाद राजदरबार पहुंचे शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमदित्य से भी मिले। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमदित्य सिंह ने बताया कि रामपुर कांग्रेस का गढ़ है और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा किए गए विकास और सेवा का ध्यान में रखते हुए लोग कांग्रेस के प्रति आस्था रखते हैं। विक्रमदित्य सिंह ने कहा कि नगर परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य एवं अध्यक्ष उपाध्यक्ष आने वाले 5 सालों में विकास को आगे बढ़ाएंगे। जो भी शहर से जुड़ा कार्य होगा वह निपटान करेंगे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रीति कश्यप ने बताया कि शहर में रास्ते, स्ट्रीट लाइटें, एम्बुलेंस, रोड आदि सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विकास करेंगे। सभी रामपुर निवासियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी में और राजा वीरभद्र सिंह जी जो विकास के मसीहा है उन पे अपना विश्वास फिर से जताया है और उन्होंने जो लगातार इस इलाके में सत्ता में रहते हुए विपक्ष में रहते हुए जो अभूतपूर्व विकास पूरे हिमाचल के साथ साथ रामपुर निर्वाचन क्षेत्र का करवाया है, रामपुर शहर का करवाया है, रामपुर का जो कायाकल्प किया है, आज उसी का ये नतीजा है कि हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी को यहाँ से बहुमत मिलती है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को यहाँ से जो है जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुरेंद्र मोहन एसडीएम ने बताया कि रामपुर नगर परिषद में 9 सदस्यों को नियमानुसार शपथ दिलवाई गई। उसके बाद कांग्रेस विचारधारा से जुड़े 7 पार्षदों ने सर्वसहमति से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन किया। नगर परिषद के उपाध्यक्ष अश्विनी नेगी ने बताया कि जो भी शहर से जुड़ा विकास का कार्य होगा उसे प्राथमिकता देंगे। सारी प्रक्रिया एज पर एक्ट हमने पूरा करवा दी है। सर्वप्रथम सभी सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। उसके बाद जो एज पर प्रोसीजर 1 घंटे का समय देकर उनके इलेक्शन का समय दिया गया। उसमें 9 में से 7 सदस्य उपस्थित रहे और उन्होंने हमारे पास एक ही नॉमिनेशन फाइल हुआ था प्रीति का, जो कि वार्ड नंबर 3 से सदस्य हैं और उनको प्रपोज किया, प्रपोजर थे श्री शेषरलाल और प्रदीप कुमार जी ने उन्हें सेकेंडर किया था। और उसके बाद उप प्रधान के लिए हमारे पास एक ही नॉमिनेशन फाइल हुआ था श्री अश्विनी नेगी जी का, उनके प्रपोजर श्री रोहिताश्व सिंह मेहता जी थे, उनको सेकेंडर मुस्कान ने किया था। तो निर्धारित समय पर जो हमने विड्रॉल का समय देते हैं, कोई भी किसी ने भी विड्रॉल नहीं किया। तत्पश्चात श्रीमती प्रीति और श्री अश्विनी नेगी जी को क्रमशः पद प्रधान के लिए चुना गया।